बातों को रिकॉर्ड किया है और उसको हम कल यूट्यूब में डाल देंगे, तो उनके माध्यम से भी जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी वह अनुकरणीय रहेगा और जो जुड़े हैं वो भी दोबारा गंभीरता से उसको सुन सकते हैं। बहुत ही अनुशासन और बहुत ही संगठन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आदरणीय डॉक्टर बाबूजी का हमको मिला है, हम सबको उस पर पालन करना चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय निर्मलकर भैया ने जो बातें कही हैं, निस्संदेह आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी का प्रवास छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नए उमंग के साथ संपन्न हुआ है। हम देख रहे हैं कि उनके तीन यात्रा हुआ, 2019 में बस्तर प्रवास में रहे पूरे 7 जिले का, उसके बाद 2021 में रायगढ़ से लेकर के अंबिकापुर के 7 जिलों के प्रवास में रहे, और उसके बाद अभी 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच रायपुर से लेकर के पूरे बालोद, निकुमर आदि पूरे गरियाबंद क्षेत्र में भी उनका प्रवास रहा, कांडे केला से लेकर के राजिम और छोटे छोटे जगहों पर। जितनी सरलता के साथ आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी ने छत्तीसगढ़ वासियों भाइयों बहनों को अपने आप में समाहित कर लिए, सारे कार्यकर्ता अद्भुत हैं, अभिभूत हैं, सारे के सारे। इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी व्यस्तता के बावजूद इस तरह से रहते थे, कहीं कार्यक्रम निर्धारित नहीं रहता था मगर कोई भाई प्रबल अपनी आकांक्षा व्यक्त करते थे कि 2 मिनट के लिए मेरे घर चले जाइए, समय विलंब हो रहा था फिर भी वो चले जाते थे, इतनी आत्मीयता। जब हम साथ में बैठते थे तो कहते थे कि भाई साहब कार्यक्रम में 2 मिनट का विलंब चल जाएगा मगर किसी कार्यकर्ता का दिल नहीं टूटना चाहिए। उनका हमेशा एक गुरु मंत्र, हम साथ में चलते रहे हैं, तीनों यात्राओं में साथ में थे, हमेशा बात कहते किसी कार्यकर्ता का दिल नहीं टूटना चाहिए, 2-4 मिनट का विलंब चल जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए। हम क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो हमें हमारे अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी इसी प्रकार की नजरिया रखनी चाहिए जिससे किसी कार्यकर्ता का दिल न दुख पाए। अब रही बात बहनों की शक्ति का, नारी शक्ति का, तो ये हम सभी जानते हैं, पूज्य गुरुदेव की माता जी की घोषणा 21वीं शताब्दी नारी शताब्दी, ये मात्र घोषणा न रहे बल्कि 2026 तक ये मूर्त रूप प्रदान करे। पिछले 50 वर्षों में नारी सशक्तिकरण के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम हुए हैं वो इन आने वाले 4 वर्षों में मूर्त रूप प्रदान कर ले, तो गुरुदेव के कही गई बातों को हम सार्थक करने में सफल हो पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ ने एक प्रयास किया है और बहनों को जिस प्रकार से संगठन आया है, आपको आश्चर्य होगा कि जो बहनें कभी घर से बाहर नहीं निकली थी ऐसी बहनें पहली बार अपने जिले से बाहर गई और 2 दिन उस जिले में रुक करके उन्होंने वो प्रशिक्षण दे के आई है जिसके लिए उनको खुद को विश्वास नहीं हो पाता था। ऐसी 103 बहनों की 23 टोलियां पहली बार में निकली थी और विभिन्न आंदोलन संचालित कर रहे हैं। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र की बहनों को हम जितना ज्यादा आगे बढ़ाएंगे युग निर्माण के कार्य को हम उतना ही ज्यादा नजदीक पाएंगे, हम लक्ष्य को उतना ही नजदीक पाएंगे। जितना ज्यादा हम बहनों को आगे बढ़ाएंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, उनको समर्थ बनाएंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे, मैं निवेदन करूंगा, मैंने कहा है कि अवसर प्रदान करना। हम कहते हैं कि इन बहनों में काबिलियत नहीं है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, सभी बहनों में काबिलियत है, केवल उनको अवसर तो हम प्रदान करें, थोड़ा सिखाइए पढ़ाइए और उनको आगे आने का अवसर दीजिएगा। आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको बहन ने ना कर पाए। तो मैं तो निवेदन करूंगा सभी भाइयों से कि इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। वैसे मैं युवा भाइयों के लिए प्रार्थना करूंगा, आप सभी अग्रज हैं, हमारे बड़े भाई के समान हैं, पिताजी के तुल्य हैं, आप इन युवा भाइयों को भी सहारा दीजिए, इनको भी आगे बढ़ाइए, ये आपकी ही मदद करेंगे, आपके ही कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, आपका ही नाम होगा। आप जिस शक्तिपीठ को बनाए हैं, जिस संगठन को बनाए हैं, उसमें युवा भाइयों को जितना आप अवसर प्रदान करेंगे वो आपके ही हाथ बनेंगे, आपके ही ताकत बनेंगे और आपके ही आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ को सब मिल करके गुरुदेव के सपनों का राज्य बना सकें, 2026 तक युग निर्माण प्रदेश बना सकें। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं।
धन्यवाद भाई ओम प्रकाश जी। अब हमारे अगले उपजोन की जो गोष्ठी होगी, चार उपजोन